नेक्स्ट क्वेश्चन दो हजार पंद्रह का सवाल है क्वेश्चन टू सिमिलर स्प्रिंग्स पी एंड क्यू हैव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के पी एंड के क्यू सच दैट के पी इज ग्रेटर देन के क्यू पहला केस है कि दे आर स्ट्रेस्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट उनका दोनों को जो हमने खींचा है अमाउंट सेम है दोनों का uh, मान लो एक मिलीमीटर mm, दो मिलीमीटर mm हमने खींचा है तो दोनों को सेम अमाउंट से हमने खींचा है सेकेंड केस में देन बाय द सेम फोर्स हमें ये बताना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू क्यू आर रिलेटेड एज चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ना सिंपल सवाल है इसको ऐसे देखेंगे ये अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सवाल में सो so, ये आपका एक स्प्रिंग है लेटस से ये आपका स्प्रिंग पी है और इसका के पी जो है इसका स्प्रिंग कॉन्सटेंट के पी है दूसरा स्प्रिंग है ये क्यू uh, स्प्रिंग है इसका के क्यू है हमें ये दे रखा है कि के पी जो है वो ज़्यादा है यानी कि ये ज़्यादा ढीट स्प्रिंग है के पी इज ग्रेटर दैन के क्यू इसको इसका स्प्रिंग कॉन्सटेंट ज़्यादा है यह डीट स्प्रिंग है राइट right? सो so, पहले केस में जब दोनों को सेम अमाउंट से खींचा है तो वर्कडन क्या होगा तो पहले वाले केस में डब्ल्यू पी वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर के पी और दूसरे केस में होगा डब्ल्यू क्यू विल बी इक्वल टू हाफ़ के क्यू एक्स स्क्वायर इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो डब्ल्यू पी डिवाइड बाई डब्ल्यू क्यू विल बीवल टू के पी डिवाइडिड बाय के क्यू इसके को कैपिटल लिख लेते हैं के पी डिवाइड बाई के क्यू ना क्योंकि के पी ज़्यादा है और इस वजह से के पी बाय के प्यू का रेशो वन से ज़्यादा होएगा सो so इसको हम कह सकते हैं एम्प्लाईज डब्ल्यू पी विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू तो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि आपका डन पहले वाले पी स्प्रिंग में ज़्यादा होएगा सेम अमाउंट खींचने पर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अभी तक ऑप्शन नंबर ए सीम्स लाइक द करेक्ट आंसर बिकॉज बाकी सारे केसेस में आपका डब्ल्यू पी या तो बराबर दे रखा है या छोटा दिया हुआ है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं शायद ऑप्शन नंबर ए सही है बट एट द सेम टाइम हम चाहेंगे दूसरा ऑप्शन भी कैलकुलेट करना राइट तो सेकेंड केस में हमने दोनों पे बराबर फोर्स लगाया है ना अब क्योंकि आपने फोर्स लगाया हमें पता है के एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है Uh, उस केस में माइनस के एक्स तो अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है तो हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लाईज़ एक्स विल बी इक्वल टू एफ बाई के तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होएगा वो एफ बाई के होएगा अब इसमें हम दोनों कंपेयर करें तो पहले वाले केस में वर्क डन पी होगा हाफ के पी मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स का मतलब हो गया एफ डिवाइडेड बाय के पी इसका स्क्वायर सो so इसको कैलकुलेट करके ये आ गया आपका हाफ एफ़ स्क्वायर डिवाइडेड बाय के पी सिमिलरली डन इन क्यू के केस में आ जाएगा हाफ एफ़ डिवाइडेड बाय के क्यू का स्क्वायर इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें डब्ल्यू पी डिवाइड बाय डब्ल्यू क्यू तो ये आपका Uh, एक मिनट स्क्वायर नहीं होना चाहिए एफ़ स्क्वायर ऊपर जाएगा ओले सो right? so, अब क्योंकि ये एफ आपका दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल आ जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई के पी हमें अब ये पता है कि के पी क्योंकि ज़्यादा वैल्यू रखता है के क्यू से तो इसकी वैल्यू वन uh, से कम आएगी फ्रैक्शन वन uh, से कम रहेगा सो so, इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू क्यू विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू पी सो सेकेंड वाले केसेस में वर्क डन Q का ज़्यादा होएगा P से सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर